हेलो क्लास सिक्स बेटा, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली थी। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे, ठीक है? तो सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखना है। वीडियो को 3-4 टाइम ज़रूर देखें ताकि कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएं, सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, या हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास अवेलेबल है तो आप उस पर भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और नंबर 1 क्वेश्चन को हम रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन मीन्स जो एक समान हो, एक से हो। फैक्टर्स ऑफ, किसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं? ए बी सी डी 4 पार्ट्स में 2-2 नंबर्स दिए गए हैं। तो ए पार्ट को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले फैक्टर्स लिख लेने हैं दोनों नंबर्स के, तभी हम उनमें से चूज़ कर पाएंगे कॉमन वाला। फैक्टर्स ऑफ 20 हम राइट करेंगे, यानी 20 किस किस के टेबल में आता है, ठीक है? यानी 20 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, तो वो फैक्टर्स कहलाएंगे। तो 21 के टेबल में 2, 4, 5, 10 और 20 के टेबल में 20 आएगा, तो ये सब फैक्टर्स हो गए 20 के, राइट कर लिए हमने। इसी तरह से हमने 28 के फैक्टर राइट करने हैं, तो 20 के फैक्टर 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28, ये फैक्टर्स हो गए हमारे 28 के, ठीक है? तो दोनों नंबर्स के फैक्टर हमने यहाँ पर राइट कर लिए हैं। अब इसमें जो कॉमन है उनको हम सर्किल करते हैं। 1 हमारे पास कॉमन है, 2 हमारे पास कॉमन है एंड 4 हमारे पास कॉमन है। तो ये हमारे जो 3 नंबर हैं 1, 2 एंड 4, ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। तो हम राइट कर देंगे कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू 1, 2, 4। चलिए अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है, फैक्टर्स ऑफ 15 हम राइट करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 25 राइट करेंगे। तो 15 के फैक्टर यानी 15 किस किस के टेबल में आ रहा है? 1, 3, 5 एंड 15। इसी तरह से 25 किस किस के टेबल में आ रहा है? 1, 5 एंड 25। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे? 1 एंड 5 हो जाएंगे, यानी 1 और 5 के टेबल में 15 एंड 25 आते हैं, तो ये कॉमन फैक्टर्स हो गए। इस तरह सी पार्ट में हमें करना है फैक्टर ऑफ 35। 35 किस किस के टेबल में आ रहा है? 1, 5, 7, 5, 35। 1 के टेबल में, 5 के टेबल में, 7 के टेबल में और 35 के टेबल में। इसी तरह 50 के हम फैक्टर राइट आउट कर लेते हैं। नोट डाउन कर लिया हमने फैक्टर्स ऑफ 50, यानी 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50, इन सब के टेबल में 50 आता है। कॉमन्स कौन से होंगे? जो एक से होंगे, 1 एंड 5, ये वो फैक्टर्स हैं जो कॉमन हैं इन सभी में। तो हमें कॉमन फैक्टर्स लिख दिया 1, 5 एंड द लास्ट पार्ट। अब लास्ट पार्ट है इसका, फैक्टर ऑफ 56 हम राइट करेंगे। 56 किसके टेबल में आता है? 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 एंड 56। इसी तरह फैक्टर ऑफ 120 आप राइट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 60 एंड 120। तो इनके कॉमन फैक्टर निकल के आएंगे हमारे पास 1, 2, 4, 8। आप जो भी एक दूसरे इनमें देखेंगे एक जैसे, 56 और 120 फैक्टर में जो एक जैसे हैं, कॉमन हैं, उनको हम राइट कर लेंगे। तो वो फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं 1, 2, 4 एंड 8, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2-2 नंबर दे रखे थे जिनके कॉमन फैक्टर्स लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट्स हैं जिनमें हमें 3-3 नंबर्स दिए गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो फर्स्ट में दिया था। तीनों नंबर्स के अलग अलग फैक्टर्स लिख लेंगे और फिर उसमें से कॉमन हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले पार्ट ए, ठीक है? पार्ट ए हमने राइट कर लिया, फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर 1, 2, 4, फैक्टर ऑफ 8, 1, 2, 4, 8, यानी 8 किस किस के टेबल में आ रहा है? 1, 2, 4, 8। 4 किस के टेबल में आ रहा है? 1, 2, 4 एंड 12 किस किस के टेबल में आ रहा है?
1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, तो कॉमन हमारे पास कौन से हो जाएंगे, 1, 2, 4, ये कॉमन फैक्टर्स हो गए। इसी तरह बी पार्ट में 5 के फैक्टर्स हमारे पास हो जाएंगे 1 एंड 5, 15 के फैक्टर 1, 3, 5, 15 एंड 25 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 5, 25, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास निकल के आया 1, 5। बहुत ईजी क्वेश्चन था, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ ए पार्ट में 6 और 8 के आपको कॉमन मल्टीपल फाइंड करने हैं, बी पार्ट में 12 और 18 के कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट जो मैंने यहाँ पर राइट करके दिखाया है आपको, इस तरह से करेंगे। मल्टीपल का मीनिंग सबसे पहले समझ लेंगे, मल्टीपल होती है किसी भी पर्टिकुलर नंबर की टेबल। जैसे आपको 6 के मल्टीपल चाहिए तो 6 की टेबल आप राइट करेंगे, 8 की मल्टीपल आपको राइट अप करनी होगी तो आप 8 की टेबल लिखेंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 6 हमने लिख दिया, 6 1 जै 6, 6 2 जै 12, 6 3 जै 18, इस तरह करके आपने 72 तक राइट कर लिया है। इसी तरह मल्टीपल ऑफ 8 आप राइट करें, 8, 16, 24 अप टू 72 तक हमने राइट कर दिया। तो यहाँ से अगर हम कॉमन देखें मल्टीपल को, तो यहाँ पर हमें कॉमन मल्टीपल मिलता है, ठीक है, क्या क्या मिलेगा ध्यान से देखेंगे। पहला मिलेगा 24, ठीक है, दूसरा मल्टीपल हमारे पास है 48, ठीक है, कितना है 48, ऊपर यहाँ पर 48 को मिसप्रिंट होकर 28 लिखा गया था, इसलिए आप इसको ध्यान करें 48 है और नीचे हमारा ये 48 है। इसके बाद 72 है और 72, तीन हमारे मल्टीपल्स हो गए हैं कॉमन। तो हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाएगा आंसर, ए का आंसर बन गया हमारे पास 24, 48 एंड 72, ये हमारे कॉमन मल्टीपल्स आ गए, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन मल्टीपल कौन से हो गए हैं, देखिए तो कॉमन मल्टीपल ये आ गए आपके पास, ठीक है, कॉमन मल्टीपल कौन से आ गए हैं, कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 इज इक्वल टू 24, 48 एंड 72। अभी इसके नीचे हम क्वेश्चन बी पार्ट भी देख लेंगे। सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 12 राइट करना है तो 12 की टेबल लिख देंगे आप, अप टू 120 तक लिख दिया। मल्टीपल ऑफ 18 लिखेंगे तो 18 की टेबल आपने 108 तक लिख दिया, तो इसमें हमें स्टार्टिंग के 3 मिल जाएंगे। तो पहला 36 है, राउंड कर दिया, इसको सर्किल कर दिया, 72 को सर्किल कर दिया और 108 को सर्किल कर दिया, ये हमारे 3 कॉमन मल्टीपल हो गए हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना बन जाता है, 36, 72 एंड 108। ये तो आपका बुकिश मेथड है, इसके अलावा एक मेथड और है जिससे आप मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स एक्चुअली निकाल सकते हैं। कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो नंबर्स आपको गिवन हो उनका आप एलसीएम फाइंड कीजिए, ठीक है, फिर आप उसका मल्टीपल करते जाइए, जितने भी आपको चाहिए होंगे, स्टार्टिंग के 2 चाहिए 3 चाहिए 4 चाहिए 5 चाहिए, जितना भी आपको चाहिए, तो आप वो जो एलसीएम आएगा उसका मल्टीपल ले लीजिए, वो कॉमन मल्टीपल कहलाएगा गिवन नंबर्स का। तो जैसे देखिए मैं आपको 6 और 8 का करके दिखा देता हूँ। हमारे पास 6 और 8 दो नंबर हैं, अगर हम इनका एलसीएम फाइंड करें तो स्टूडेंट क्या आएगा, 2, 3 ज़ा 6, 2, 4 ज़ा 8, फिर हम 2 से करेंगे, 3 कटिंग नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, 2, 2 ज़ा 4, फिर हम 2 से करेंगे, 3 नहीं होगा डिवाइड, 3 डिवाइड नहीं होगा और 2, 1 ज़ा 2, ठीक है। इसके बाद फिर से हम करेंगे 3 से, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, तो हमारे फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एलसीएम आ जाएगा हमारा 3, तो एलसीएम आया कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। तो जो एलसीएम आता है वो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आपका एलसीएम हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इतना लिखने के बाद यानी एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है, ठीक है, आपको लिखना है फर्स्ट मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल लिखेंगे, मल्टीपल नहीं फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट
कॉमन मल्टीपल, ठीक है, वो हो जाएगा 24 आएगा, 24 इंटू वन यानी 24। आपको सेकंड कॉमन मल्टीपल चाहिए, डॉट डॉट लगा दिया मैंने, ठीक है, डॉट डॉट से आप समझ जाएंगे। तो सेकंड कॉमन मल्टीपल आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई टू यानी 48, और थर्ड हमारा कॉमन मल्टीपल्स आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई थ्री यानी 72। तो हमारा आंसर आया 24, 48 और 72, ठीक है, ये आया ना, और यही हमारा आंसर तब आया था जब हमने 6 और 8 की टेबल लिखी थी, उनमें से हमने चूज़ किए थे। तो ये भी हमारा आंसर ठीक है। बी पार्ट भी देख लेते हैं इस टाइप से। तो बी पार्ट में आपको क्या करना है, 12 और 18 का सबसे पहले एलसीएम ले लेना है, 2 6 ज़ा 2 9 ज़ा, फिर 2 से 2 3 ज़ा, फिर 9 का 9 ऐसे 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, फिर 3 से आपने कर लिया 1 1। तो एलसीएम जो आया आपका वो आया 2 × 2 × 3 × 3 यानी आ गया 4 9 ज़ा 36, 2 ज़ा 4 3 ज़ा 9 36 ऐसा। तो फर्स्ट मल्टीपल आपका हो गया, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, तो 36 × 1 यानी 36। सेकंड कॉमन मल्टीपल आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई टू यानी 72, और जो थर्ड हमारे पास कॉमन मल्टीपल आएगा वो आएगा 36 × 3 यानी 108, ठीक है, यही हमारे आ चुके हैं 36, 72 और 108। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ऑल दी नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 और 4। कॉमन मल्टीपल का क्वेश्चन अभी हमने किया है क्वेश्चन नंबर 3। या तो आप करेंगे पहले, सबसे पहले मल्टीपल राइट करेंगे 3 का और 4 का, उसमें से चूज़ करेंगे, ठीक है, जो 100 से लेस हो। तो आप 3 की टेबल लिखेंगे, सबसे पहले 3 की टेबल कहाँ तक लिखेंगे, 100 से कम तक। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 30 तक तो आपको याद है ही। उसके बाद 3 3 ऐड कर लेंगे, 33 36 39, 42 45, 48 अप टू कहाँ तक चलेंगे, 99 तक राइट करेंगे। इसी तरह मल्टीपल ऑफ 4 की टेबल आपको पता है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 40 तक तो आपको लेना है। उसके बाद 4 4 ऐड कर जाएंगे, 44 प्लस 4 ऐड करा, 48 प्लस 4 करा, 52 प्लस 4 किया, 56, ऐसे नंबर आ जाएंगे आपके 100 तक। अब इसमें जो जो कॉमन है वो आप राइट कर लीजिए। तो हमारा 12 24 36 48 60 72 84 एंड 96 ये कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे दोनों में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट अभी मैंने आपको बताया था कॉमन मल्टीपल के लिए आप एलसीएम से भी कर सकते हैं। तो एलसीएम आप अगर फाइंड आउट करें, एलसीएम ऑफ 3 और 4 क्या आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा। तो 12 की टेबल, बस कॉमन मल्टीपल आपको पता लग गया फर्स्ट वाला, तो आप 100 से नीचे वाले सभी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, 12 की टेबल लिख दीजिए। तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 और 4 कितना हो जाएंगे, 12 की टेबल हो जाएगी, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, और कहाँ तक लिखेंगे हम 100 से अंडर अंडर लिखेंगे, नीचे नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 96 तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम, कौन कौन से नंबर को प्राइम है। सबसे पहले को प्राइम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए को प्राइम जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, अगर हम उन दोनों नंबर्स के फैक्टर फाइंड आउट करें और कॉमन फैक्टर निकालें, तो कॉमन फैक्टर केवल 1 आएगा, इसके अलावा कोई भी फैक्टर उसका कॉमन नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके पास गिवन नंबर्स में कॉमन फैक्टर 1 आए तो वो को प्राइम होंगे, अदरवाइज वो को प्राइम नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है हमारे पास, 1835 को दिखाना है। तो 18 के फैक्टर आप राइट कीजिए, 18 के फैक्टर यानी 18 किस किस की टेबल में आता है,
1, 2, 3, 6, 9 और 18। 35 के फैक्टर लिखेंगे, 35 किन किन की टेबल में आता है, 1, 5, 7 एंड 35। तो कॉमन इसमें से क्या हुआ, 1। ठीक है, तो हम क्या राइट करेंगे, सिंस बोथ हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर इट मीन्स 1, दोनों का केवल एक कॉमन फैक्टर है जो कि 1 है, देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर, इसलिए ये को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास दूसरा बी पार्ट है, 15 एंड 37। तो 15 के फैक्टर लिखेंगे आप सबसे पहले, फैक्टर ऑफ 15, 1, 3, 5, 15, फैक्टर ऑफ 37 क्योंकि प्राइम नंबर है तो 1 और 37 हो गए, कॉमन फैक्टर आपको मिल गया 1, इन दोनों में 1 है ना एक सा। ठीक है, तो आप लिखेंगे सिंस बोथ हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर इट मीन्स 1, देयर फॉर दे आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है इसलिए ये को प्राइम है। सी पार्ट में है हमारे पास 30, तो सबसे पहले 30 के फैक्टर लिखेंगे, 1, 2, 3, 5, 6, 15, 415 के फैक्टर लिखेंगे, 1, 5, 53 एंड 415, तो आप कॉमन फैक्टर देखेंगे 1 और 5। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर हो गए, कितने फैक्टर्स आ जाएगा, आ गए आपके पास 2 आ गए, एक तो 1 और 1 5। ठीक है, तो हम क्या राइट कर सकते हैं स्टूडेंट, हम राइट करेंगे जब कॉमन फैक्टर आपके पास 1 एंड 5 टू फैक्टर आ गए, लेकिन को प्राइम में 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता तो ये को प्राइम तो होगा नहीं, तो हम कैसे लिखेंगे, सिंस बोथ हैव मोर देन वन कॉमन फैक्टर, क्योंकि दोनों के एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर हैं, देयरफॉर दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 17 एंड 68, तो 17 का देखते हैं, 17 के फैक्टर राइट करेंगे, फैक्टर ऑफ 17 1 और 17, फैक्टर ऑफ 68 1, 2, 4, 17, 34, 86, कॉमन फैक्टर आया हमारे पास 2, 1 एंड 17। ठीक है, तो जब हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 हो गए, तो लिखेंगे दिस वन, वही लाइन जो आप हर जगह लिखते आ रहे हैं, सिंस बोथ हैव मोर देन वन कॉमन फैक्टर देयरफॉर दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ई पार्ट में हमारे पास 216 है, 216 के फैक्टर आपने निकाल लिए सबसे पहले, 216, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 36, 72, 108 एंड 216 इसके टेबल में आता है, 215 के फैक्टर आपके 1, 5, 43 और 215 हो जाएंगे। ठीक है, फैक्टर आपको फाइंड आउट करने आते हैं, तो कॉमन फैक्टर आपको दोनों जगह क्या मिला, 1 मिला, तो कॉमन फैक्टर 1 हो गया, तो आप राइट करेंगे सिंस बोथ हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर इट मीन्स 1, देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर्स। और लास्ट पार्ट है इसका एफ पार्ट, ठीक है, कॉमन फैक्टर आप निकालने हैं आपको, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर राइट करेंगे 81 का, फैक्टर ऑफ 81 1, 3, 9, 27 और 81, फैक्टर्स ऑफ 16 1, 2, 4, 8, 16, कॉमन फैक्टर आपको 1 मिला, जब कॉमन फैक्टर 1 होता है लिखेंगे हम सिंस बोथ हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर इट मीन्स 1, सो देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कि नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ, डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 12, एक नंबर दो नंबरों से डिवाइड होता है, कौन कौन से नंबर से, 5 से भी और 12 से भी, बाई विच अदर नंबर विल दैट नंबर ऑलवेज बी डिविजिबल, तो जब 5 से डिविजिबल है 12 से भी डिविजिबल है, तो इनके मल्टीप्लाई यानी एलसीएम से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, तो 5 से 5 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, 60 हमारे पास आंसर, देयरफॉर द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 60, ये हमारा आंसर हो गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल, तो वो नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होगा, अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड है तो 12 के अंडर यानी उसके फैक्टर 12 और 12 से नीचे जितने भी नंबर्स होंगे उसके फैक्टर में, यानी 12 के जितने भी फैक्टर होंगे उन सबसे वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, 12 के फैक्टर्स आपके पास क्या क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 12, तो इन नंबर से वो नंबर डिवाइड होगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द नंबर आल्सो बी डिविजिबल बाय 1, 2, 3, 4 एंड 6। ठीक है, तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, इसके सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं।
किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस समझ में नहीं आ रहे हैं तो हमें आप मैसेज ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में राइट करें, या फिर व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ की नीड है तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में इतना ही।